जुलूस की सूचना देने कोतवाली थाने गए युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे व सिंगरौली विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह डब्बू से पुलिस ने मोबाइल छीन लिया और उनको थाने में बिठा लिया। इसकी सूचना शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल को जब मिली तो वह कोतवाली थाने पहुंचे और कैंडल जलाकर विरोध जताया और पुलिस भाजपा के लिए काम कर रही है, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है, ऐसा बयान दिया। सिंगरौली में कैंडल मार्च के लिए सूचना देने पहुंचे युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे व युवा कांग्रेस के सिंगरौली विधानसभा अध्यक्ष अजय सिंह डब्बू को कोतवाली थाना पहुंचने थी, पुलिस वालों ने उनके मोबाइल छीन लिए और उन्हें थाने में बिठा लिया। इसकी सूचना मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और अन्य कांग्रेसी तत्काल कोतवाली थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं सहित अन्य लोगों को छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर चौक बैढ़न पहुंचकर कैंडल मार्च निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता अरविंद सिंह चंदेल ने पुलिस प्रशासन को कहा है कि भाजपा की दलाली मत करो और आगे हमारी सरकार आने वाली है, तब सबका हिसाब किताब किया जाएगा। युवक कांग्रेस के तत्वाधान में शाम को 6 बजे मशाल जुलूस होना था। मशाल जुलूस की सूचना देने हमारे आदरणीय युवक कांग्रेस के साथी सूचना देने गए, इनको बैठा लिया गया। इनको जब बैठा लिया गया तो हवा की तरह खबर फैली और 10 मिनट के भीतर हजारों की संख्या हमारे कार्यकर्ता थाने पहुंच के धरने पर बैठ गए। प्रशासन को मजबूरी में हमारे कार्यकर्ताओं को छोड़ना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने थाने से ही मोमबत्ती का जुलूस निकाल कर अम्बेडकर जी के चौराहे पर आकर अम्बेडकर जी को अपना मशाल समर्पित किए और ये संदेश देना चाहते हैं, जब जब प्रशासन हमसे डरता है तो पुलिस को आगे करता है, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम पुलिस को डरने वाले नहीं लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। जब तक हमारा आंदोलन नहीं खत्म हो जाता तब तक हम खत्म नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।